आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार को लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में होने वाले तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होगी गीडा की दमदार भागीदारी। 1,892 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं से 4,657 नए रोजगार का मार्ग होगा प्रशस्त। जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी अधिकारियों को ड्यूटी के प्रति किया ब्रीफ। गोरखपुर न्यूज के कैमरे में कैद हुई लाइव गिरफ्तारी। 1 जून को कलेक्ट्रेट के रजिस्ट्री ऑफिस पर फर्जी जमीन का मालिक बनकर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने वाले 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। रमेश कुमार के नाम का फर्जी आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड किया बरामद। एसटी सिटी ने किया खुलासा। प्रदेश के जीआरपी के एडीजी पीयूष गोयल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। महिला संबंधी अपराधों, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट के तहत अपराधियों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। परफॉर्मेंस ग्रांट में चयनित पाली ब्लॉक के ग्राम पंचायत निवास में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। सुनी जनता की समस्या, शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सदर सांसद रवि किशन, मशहूर सिंगर के निधन एवं सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर हुए दुखी। कहा, मूसेवाला की हत्या में है पंजाब सरकार की लापरवाही। इस हत्या की जवाबदेही केजरीवाल या फिर भगवंत मान जी की। जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एसपी ट्रैफिक ने किया रूट डायवर्जन। नौकायन, गीता प्रेस, गोरखनाथ मंदिर के तरफ जाने वाले सभी वाहनों को किया गया प्रतिबंधित। कहा, रूट बदल कर ही वाहन जाएंगे अपने गंतव्य को। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर सदर सांसद रवि किशन एवं बांसगांव सांसद कमलेश पासवान मीडिया से हुए रूबरू। कहा, पहले सरकारी योजनाएं बनती थी सिर्फ कागजों पर, मोदी सरकार में एक एक योजनाओं का लाभ मिल रहा है सीधे आमजन को। राजघाट पुलिस ने 4 अभियुक्तों को अवैध कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार। 500 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 20 किलोग्राम नौसादर और 6 किलोग्राम यूरिया किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। बरसात से निपटने की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा, जिले के बड़े व छोटे नालों की तेजी से करवाई जा रही है सफाई। जनपद में नहीं होने दिया जाएगा जल जमाव। फूड सप्लीमेंट बेच रहे मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस एवं पंजीकरण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गोरखपुर एवं दवा विक्रेता समिति के तत्वावधान में लगाया गया 2 दिवसीय पंजीकरण कैंप। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रतिमा त्रिपाठी ने बताया, 12 लाख सालाना से अधिक टर्नओवर पर 2,000, 12 लाख सालाना से कम टर्नओवर पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क है मात्र 100 रुपये। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने की बैठक। पशुओं के लिए भूसा डोनेशन कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ण होने पर राइट टू नेशन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को सदर सांसद रवि किशन ने अंग वस्त्र प्रदान कर किया अभिनंदन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ऐतिहासिक 8 वर्ष की सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को हो रही है समर्पित। और शहरी निकाय विकास कार्यों के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश।